सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। आज का पंचांग 27 फरवरी 2020, दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 1:08 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:40 से 3:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 1:08 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 27 फरवरी 2020, दिन गुरुवार, कानूनी चिंताओं की वजह से कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। दुश्मनों और मतभेदों का सामना करें। काम में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। बातचीत करते समय ध्यान रखें। म्यूजिक और डांस से आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। बच्चे और पालतू जानवर हर चिंता से मुक्ति दिलाएंगे। आज आपका रोमांटिक संबंध जीवन भर के संबंध में परिवर्तित हो सकता है जिससे आपके जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा। पेशवर रूप से आप कुछ अलग कर रहे हैं जिसके कारण आपको नए अनुबंध प्राप्त होंगे। भाग्य हर व्यक्ति के दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है, आपको बस इसे खोलने और इसका स्वागत करने की जरूरत है। आप स्वाभिमान और उदारता से काम लेंगे तथा तनाव से दूर रहने का प्रयास करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, दूर के संबंधों का लाभ मिलेगा। सार्वजनिक कार्यों से यात्रा संभव है। यात्रा में धन लाभ के साथ सम्मान भी मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी संभव है। आज आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सतर्क रहना पड़ सकता है। कोई जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। आप खुद को काम में व्यस्त रखें। कोशिश करें कि आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें। आप में से कुछ लोगों को गलत संगत के कारण भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुस्से या आवेग में आकर आप खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। सावधानियां। शिक्षा प्राप्ति के प्रयासों में अधिक प्रयास के बाद कुछ सफलता मिलेगी। माता और भौतिक संसाधनों की सुख में असंतोष रहेगा। किसी कर्ज के चलते आपको कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। खर्च कमाई से अधिक रह सकते हैं। आपको किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालें और मिलने वाले अवसरों का सही उपयोग करें। साथी से किए वादे को पूरा करने का समय आ चुका है क्योंकि अधूरे वादे अधूरे रिश्ते के समान हैं। रिश्तों के अनुसार आज आपका लंबा रोमांटिक रिश्ता जीवन भर के संबंध में परिवर्तित हो सकता है। बदलाव बहुत जरूरी है और यह रिश्ता आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा। आज हवाओं में रोमांस है जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। करियर की बात करें तो आज का दिन गतिविधियों से भरा हुआ है। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे और आपके कनेक्शन को भी बढ़ाएंगे। अपनी कला जैसे संगीत नृत्य या फोटोग्राफी का प्रदर्शन करने के लिए भी यह समय अच्छा है। व्यावसायिक परेशानी या आयोजित भुगतान आज के शानदार दिन के रंग में भंग डाल सकते हैं। आज एक रोमांटिक संबंध आपके लिए जीवन भर के रिश्ते में
परिवर्तित हो सकता है। जिन बदलावों को आप बदल नहीं सकते उन्हें नियंत्रित करें और आगे बढ़ें। सेहत की बात करें तो आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। किसी की सलाह अनुसार योग और ध्यान करें ताकि आपको तनाव से छुटकारा मिले और मांसपेशियां भी ठीक रहें। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और दिमाग को शांति मिलेगी। आज का उपाय, आज आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।